जितनी भी चीज़ें थी सबने आपको 60% फ्लैट आपको MRP पे डिस्काउंट होता है। यानी कि अगर आप नेक्सा जनरल एसेसरी में 10,000 रुपये का सामान आप लेते हैं या लगवाते हैं तो आपको सीधा सीधा 4,000 रुपये सिर्फ पे करते हैं। पहले तो डीआरएल अपना चेंज हो गया 3 डॉट के साथ, जैसे आप उसको टॉप मॉडल वाले मेरे लग गए हैं भाई। चाबी जैसे ही ऑन करूँगा लॉक करूंगा ये पूरे अपने बंद हो गए हैं। इस गाड़ी में कनेक्टेड टेल लाइट गाड़ी में लग गई है। OEM फिनिश में कैमरा है और पूरा अल्ट्रा HD कैमरा है। ऑटो यूनिक का सिग्नेचर पैटर्न सीट कवर है। आप कहीं से भी सीट कवर देख लो, चेक कर लो, आपको ऐसे सीट कवर ना तो कभी देखने को मिलेंगे और ना तो कभी आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो। स्टीयरिंग इसमें चेंज हो गया टॉप मॉडल वाला। राम राम से भाई, इनको क्या है भाई, आप सबसे उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे भाई। ऑटो यूनिक पैन कृष्णा जी के पास क्या है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, स्ट्रॉन्ग सा रखे भाई। बेस मॉडल सिग्मा मॉडल पूरा टॉप लेवल का काम हुआ इसमें। तो भैया डिटेल में बता दो क्या कुछ कर रहे हो इसमें। एज अ बेसिक प्राइस के अंदर जितनी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर वो सब कुछ हुई है। चाहे मैं साइड मिरर की बात करूँ, चाहे मैं पीछे टेलेट की बात करूँ, चाहे आगे की तरफ डीआरएल की बात करूँ, प्लस इसके अंदर जितना इंटीरियर में काम हो सकता है, स्टेरिंग चेंज हो गया, पूरा स्टेरिंग पे लेदर रैप हो गया, सीट कवर हो गया, म्यूजिक सिस्टम एक बेस्ट म्यूजिक सिस्टम हो गया, JBL के स्पीकर्स लगे हैं, सोनी के स्पीकर लगे हैं, बाकी जितनी चीज़ें होती है सारी मैक्सिमम चीज़ें उसमें कवर हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइस रेंज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, अंडर 1 लाख, यानी कि आप ये मान के चलो 90,000 रुपये से भी कम में आपका सारा कुछ कवर कर, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सारा कुछ अलग भी छोड़ के 90,000 रुपये बहुत, मतलब कह सकते हो एक बहुत बड़ी बात है। जैसे इसके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा डिटेल में और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ें। तो भाई वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी भाई गाड़ी की तरफ मैं आ गया हूँ। सबसे पहले फ्रंट से बताएं भैया, फ्रंट में क्या कुछ काम हुआ है। फ्रंट में भी है, जैसे इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा जान डालने वाली चीज़ है वो इसकी DRL है जो इसके अंदर लगी हुई है। और आपको पता है इसमें नॉर्मल DRL आती है, सिर्फ आपका ये 3 स्कूप नहीं होता जिसके अंदर, इसमें 2 होता है एज अ इंडिकेटर और सिर्फ एक पार्किंग बल्ब होता है येलो कलर का, वो चलता है। तो इसमें पहले तो DRL अपना चेंज हो गया 3 डॉट के साथ, जैसे आप इसको देख रहे हो। और सबसे खास बात है DRL की कि ये पार्किंग, जैसे आप गाड़ी की चाबी लगाओगे वैसे ही आपके पूरा देंगे, ठीक है। और ये टॉप मॉडल में आते हैं आपके, है ना, दिखा देता हूँ जैसे आपको टॉप मॉडल में आता है। और इससे ऊपर जैसे आप थोड़ा सा पार्किंग ऑन करोगे आपका पार्किंग, जैसे रात को अगर चलना होगा आपको तो ये डार्क हो जाएगा। और इंडिकेटर जो सेम इसी के अंदर 3 अलग अलग स्कूप में आपका ये बटन, तो ये आपका एक बेस्ट बात है। इसके साथ साथ नीचे इस गाड़ी के अंदर बेस मॉडल से कंपनी हेडलाइट में प्रोजेक्टर आपको ऑफर कर दी गई थी, जिसमें 180 वॉट LED लगी है और इसका सामने की तरफ, सामने भी पूरा ब्लैक, ठीक है भाई। ये भी चेक कर लो भाई, ये देख लो रिस्पॉन्स चेक कर लो। इसकी वारंटी कितनी है भैया? इसकी 2 साल वारंटी होती है, क्योंकि भैया थोड़ा सा नॉर्मल चाहिए ना, इसलिए भैया को 1 साल वाली वारंटी लगा रही है। बाकी आप ऑप्शन होता है आप 2 साल वाली लगवा सकते हो, 1 साल वाली, 3 साल वाली, तीनों ऑप्शन होता है, अलग अलग क्वालिटी के ऊपर होता है, थोड़ा बहुत प्राइस जो है वो कम। इसके साथ साथ विंडो गार्निश का ऑप्शन होता है आपका, ये जैसे हेडलाइट के नीचे गार्निश है, ये नेक्सा में आपका मिल जाता है एसेसरी में आपको। इसके बाद फ्रंट ग्रिल भी आप चेंज करा सकते हो कैनो ब्लैक, वाइट कलर की गाड़ी है, वाइट कलर की गाड़ी के साथ कैनो ब्लैक ग्रिल इसकी पूरी 4 चांद लगा दी, बहुत मतलब अल्टीमेट बढ़िया से बढ़िया आपको ग्रिल मिलेगा। सेम आप साइड प्रोफाइल में अगर आएंगे तो यहाँ पे जो बल्ब आता है वो चेंज होकर एज अ वेंट लग गया है, जो एज अ छेद आता है साइड में, पूरा इंडिकेटर हट चुका है, इंडिकेटर हट गया है, वही इंडिकेटर आपका यहाँ पे हो गया है। एक बार ये दिखा भी देता हूँ वर्किंग में। और ये टॉप मॉडल वाले मिरर लग गए हैं भाई, टॉप मॉडल वाले पूरे मिरर लग गए हैं। मैं चाबी जैसे ही ऑन करूँगा लॉक करूँगा ये पूरे अपने बंद हो गए हैं, जैसे यहाँ पे अनलॉक करूँगा पूरा ओपन हो गया, पूरा एज इट इज वर्किंग, ऑटो फोल्डेबल, ऑटो एडजस्टेबल, दोनों चीज़ वर्किंग है यहाँ पे एज इट इज़, आप देख पाओगे कम्प्लीटली। और सबसे खास चीज़ है वाइट कलर की गाड़ी है तो पियानो ब्लैक हो गया, ये तो एक अपोजिट कलर हो गया, ये भी बढ़िया लग रहा है इसके अंदर। बाकी अगर आप बॉडी कलर में वाइट कराना चाहते हो वो भी बढ़िया लगता है, उसके लिए आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप ऑर्डर दे दो, आपका कम्प्लीटली वाइट हो जाएगा, तो बहुत शानदार आपको कहीं ना कहीं लुक में आपको देखने को मिलेगा, ये एक बेस्ट पार्ट है। और खास चीज़ आप देखोगे जो यहाँ पे इंडिकेटर आता है छोटा सा साइड में, वो इंडिकेटर हट के पूरा G-Driven का यहाँ पे वेंट लग गया है, जिसका लुक भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। इसमें कई अलग अलग डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। बाकी इसमें क्या है, एक तो छोटा सा बल्ब भी हट गया आपका, छेद भी बंद हो गया, प्लस एक लुक भी अच्छा हो गया, तो एक तीर से आप 2 निशाने कह सकते हो, जो एक शानदार आपको लुक इसमें मिल जाएगा। क्या कैपिंग हुई है इसमें गोल्ड सीरीज की 3.2 mm की, जिसमें 6 साल वारंटी आपको मिल जाती है। उसका रिस्पॉन्स आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ऐसा लग रहा है खाली बन है, टंडन खोखला खोखला है, और यहाँ पे एक हार्डनेस सा हो गया है, एक हैवीनेस हो गया है। बाकी भैया एक बार डिस्काउंट के बारे में एक बार बता दो। डिस्काउंट के बारे में बताए थे भैया, सबसे पहले जब ये गाड़ी आई थी लॉन्च हुई थी 25% लेस आपको मिलना शुरू हुआ था, उसके बाद आगे 40% देना हमने शुरू किया, फिर
काफ़ी लंबे टाइम तक 50% दिया, उसके बाद अब जो है 60% आपके मिलते हैं। और हर एक चीज़ पे जो नेक्सा जेन्युइन एसेसरीज में का पार्ट होता है, जैसे कि आपके यहाँ पे रिंग वाइजर है, आपका हैंडल क्रोम है, साइड फिटिंग हो गई, आगे हेडलाइट गार्निश हो गई, बम्पर कॉर्नर हो गया, जितनी भी चीज़ होती है सब में आपको 60% फ्लैट आपको MRP पे डिस्काउंट होता है। यानी कि अगर आप नेक्सा जेन्युइन एसेसरी में 10,000 रुपये का सामान आप लेते हैं या लगवाते हैं तो आपको सीधा सीधा 4,000 रुपये सिर्फ पे करते हैं, ये आपके लिए खास चीज़ है। और वो आपको बिल में पहले से लेस करके आता है। जैसे कि अगर मैं रीन वाइजर की बात करूँ, 2,690 रुपये MRP आती है, लेस करके आपका 875 रुपये का आता है। हैंडल क्रोम 1,490 MRP आती है, लेस करके 690 रुपये का होता है। नीचे साइड फिटिंग 2,490 रुपये MRP होती है, लेस करके 296 रुपये का होता है। विंडो गार्निश है वो आपका SS में है, स्टेनलेस स्टील में, ये कंपनी का नहीं आता, इसलिए पूरा जो इसका पार्ट होता है वो स्टेनलेस स्टील में हैवी क्वालिटी में रखते हैं, इससे आपको 3 साल वारंटी में मिलती है और ख़राब नहीं होता कभी, रस्टिंग नहीं आती है ना, रस्टिंग नहीं आती, ये बेनिफिट है। पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं। तो जी भाई पीछे की तरफ चलें तो पीछे की तरफ इस गाड़ी में कनेक्टेड टेल लाइट गाड़ी में लग गई है, जेन्युइन मारुति की जेन्युइन आता है, और टॉप मॉडल वाली टेल लाइट भी है, एसेसरी वाली नहीं है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एसेसरी वाली भी आप ले सकते हो और टॉप मॉडल वाली भी ऑप्शन। टेल लाइट में आप देखोगे यहाँ तक सिर्फ जो है कंपनी की वो चलती है, और इसके लास्ट तक आगे तक जो है ये पूरी लग गई है कंप्लीटली, ये सबसे खास चीज़ है। पूरी टेल लाइट ये चेंज होती है, और जेन्युइन कंपनी का होने का वजह क्या है कि कभी खराब होने का कोई प्रॉब्लम इशू नहीं रहता था, ये सबसे खास चीज़ है। ठीक है, इसमें भी कई स्कैम चल रहा है, स्कैम चल रहा है मार्केट में भी, बताते हैं टेल लाइट आपको 2,500 रुपये की ले लो, 3,000 की ले लो, 4,000 की ले लो, आप खुद सोचो जिसकी MRP 10,000 रुपये हो आपको 4,000 की 3,000 की कैसे मिल जाएगी, और वो भी स्पेयर पार्ट का सामान है। एसेसरी वाली आती है वो आपको 5,000 से 5,500 रुपये के बीच में मिल जाती है, ये वाली जो है ये 8,500 रुपये की आपको। इसके बाद नीचे रिफ्लेक्टर है, और जैसा इसका कलर है एज अ इंडिकेटर का पूरा पैटर्न है, वैसे ही पैटर्न में आपको ये मिलती है। सेम अगर आप इस तरफ देखोगे तो इंडिकेटर में आपको दिखा देते हैं एक बार किस तरीके से, तो भाई देख लो इंडिकेटर के साथ ये कुछ इस तरीके से वर्किंग करती है। जैसे यहाँ पे ऊपर इंडिकेटर वर्किंग है, एज इट इज इंडिकेटर के साथ रहेगी, और कम्प्लीटली जिस तरफ आप इंडिकेटर दोगे उस तरफ एज इट इज वर्किंग करेगी। इसके साथ साथ ही मैं आपको कैमरे के भी पोजिशन और पार्ट दिखा देता हूँ। पूरा OEM फिनिश में कैमरा है, और पूरा अल्ट्रा HD कैमरा है। पहले जो कैमरा आते थे उसमें ऐसे ऊपर से ना लाइट से आते थे, वो लाइट ख़राब हो जाता है बहुत ही जल्दी, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नाइट विजन कैमरा है मूविंग गाइडलाइन के साथ, और फिटिंग भी आप चेक करो हर जगह से, जो प्रॉपर कंपनी का टॉप मॉडल में फिटिंग आपको सेम वही वो सेम फिटिंग आपको मिलती है। ये सबसे खास चीज़ है, फिटिंग से लेके काम से लेके क्वालिटी तक हर चीज़ आपको परफेक्ट काम मिलेगा। यहाँ पे इसका पार्सल ट्रे है जेन्युइन कंपनी का, वो लग गया है। बाकी अपनी दूसरी गाड़ी के लिए भैया यहाँ पे एक स्टेयरिंग भी लेके जा रहे हैं एक्स्ट्रा, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो अभी डब्बा पैक पूरा बॉक्स पैक है, बाकी जितना भी सामान चेंज हुआ है सारा इसके अंदर रख दिया है, चाहे वो टेल लाइट हो, चाहे वो DRL हो, चाहे वो आप देखोगे यहाँ पे EVR AC का सामान हो, सारा कुछ यहाँ रख दिया है। बूट लाइट लग गई है, बूट लाइट में भी आप देखोगे यहाँ पे एज इट इज पूरा वर्किंग, आप जेन्युइन कंपनी की लेंगे, कंपनी की जेन्युइन यहाँ लगी है। उसके बाद आप चलते हैं अंदर दिखाते हैं। तो जी भाई अंदर की तरफ चलें तो सबसे पहले देख लो भाई इस गाड़ी में चेरी कलर के सीट कवर लगाए हैं, तो इंटीरियर कलर आता है ना वो परफेक्ट सीट कवर लगे हैं, और उसी के हिसाब से इसका स्टीयरिंग भी चेंज हुआ है, और स्टीयरिंग के ऊपर लेदर आ गया है। सबसे पहले अगर मैं सीट कवर की बात करूं, ऑटो यूनिक का सिग्नेचर पैटर्न सीट कवर है, आप कहीं से भी सीट कवर देख लो, चेक कर लो, आपको ऐसे सीट कवर ना तो कभी देखने को मिलेंगे और ना तो कभी आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो, कहीं आफ्टर मार्केट है कहीं भी बाहर से। अगर मैं सीट कवर की बात करूं ना, यहाँ पे पूरी एज अ सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, जो आपके थाई के ऊपर एक सपोर्ट बन जाता है और एक कुशनिंग आपका अलग से बन जाता है, वो पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेम एज इट इज पीछे जो है आपका पूरा एज इट इज सपोर्ट रहता है, पूरा एज इट इज कुशनिंग रहता है। तीन सिलाई वाला पैटर्न देख लो वाला प्रोपर। जो हमारा ऑटो यूनिक का सिग्नेचर डिजाइन है, सिग्नेचर पैटर्न है, वो पैटर्न है। सबसे पहले ऊपर 3 थ्रेड का यूज है, फिर यहाँ पे 3 थ्रेड का यूज है, फिर नीचे की तरफ 3 थ्रेड। ये एक शानदार चीज, शानदार पार्ट आपको। और काफी सारे लोग कहते हैं इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती भैया, इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें 2.5 इंच सीट जो है ना भैया वो लगभग ऊंची हो जाती है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद सेंटर आर्मरेस्ट है, जो जेन्युइन कंपनी का आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ये एक बेस्ट चीज है। रियर एसी भी ऑन हो गया। और सीट कवर में बात करें, पूरा कॉम्बिनेशन बना है, आगे की तरफ आप देखोगे हर कॉर्नर में चेरी थ्रेड से डबल थ्रेड का यूज किया हुआ है, आगे जो है ब्लैक कलर से पाइपिंग है, और व्हाइट कलर की गाड़ी है तो व्हाइट कलर से ही 3 थ्रेड का यूज किया हुआ है, तो बिल्कुल एक आंखों को लेके ना जो पूरा एक सारा आई कैचिंग जो है सारा काम वो पूरा किया हुआ है। बाकी इसकी प्राइसिंग क्या होती है? प्राइसिंग की भी मैं बात बता देता हूँ अभी। पीछे से अगर आप देखोगे पूरा ब्लैक कलर का यूज किया हुआ है, अंदर की तरफ अगर आप देखोगे ना एज इट इज पूरा पॉकेट अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें प्राइसिंग की, तो जो सबसे खास चीज है सीट कवर अपने पास सेम एज इट इज सीट कवर, आप कोई से भी कलर में 2,500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है जो आप ले सकते हो। बकेट फिटिंग में आप लेते हो 4,000 रुपए से आपको शुरू होता है, जैसे सीट कवर है वैसे ही। इसके ऊपर नापा लेदर, साखा लेदर आपको 4,500-5,500 रुपए, उसके ऊपर 7,500 रुपए रॉयल टच जो
फॉर्म पिछले 7-8 साल से हम लगा रहे हैं, जिसकी लाइफ टाइम आपको वारंटी मिलती है। उसके ऊपर 9,500 रुपये आपका सोफा लेमिनेशन, उसके ऊपर 12,500 जो ये सीट कवर है प्रीमियम सोफा लेमिनेशन। इसमें खास क्या है, तीन चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, जब आप पाएंगे ना इसको ऐसे, इसका स्कफ देखेंगे सीट कवर का, तो रियल फील क्या है, रियल गुडनेस क्या है सीट कवर के अंदर, वो आपको पता चलेगा। और मेन चीज़ क्या है ये भाई, ये सीट कवर गर्म नहीं होते, पसीना नहीं आता। मर्जी आप गर्मी में सीट कवर पे बैठ जाओ, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा हीट हो रहा है, स्वेटिंग आ रहा है, आपको कभी नहीं लगेगा। सेकेंड चीज़, इसकी जो इसका जो फैब्रिक है, वो फैब्रिक आपका इंटरनेशनल बाहर से आता है, और जो भी लग्जरी गाड़ी होती है ना, लग्जरी गाड़ी में जो यूज होता है फैब्रिक, वो जॉडी जैगवार में आते हैं, जो लग्जरी गाड़ी में आता है मैक्सिमम फैब्रिक वो है। जब आप इसको फील करोगे ना हाथ से, मैं आपको और भी फैब्रिक सारा दिखाऊंगा, 2500 से लेकर 12,500 तक, चॉइस आपकी होगी, ऑप्शन आपका होगा, जैसा आप चाहो वैसा दे सकते हो। बाकी सेकंड ऑप्शन, अपने पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसी वजह से एक सिंगल रिंकल आपको पूरे सीट कवर में कभी भी कहीं से कहीं तक नहीं दिखने वाला। और थर्ड चीज़, जो इसका फिटमेंट है, जो इसका मटेरियल है, वो हर चीज़ आपका बिल्कुल परफेक्ट है। टोटल इसमें 40 mm की कुशनिंग होती है, जिसमें से 21 mm का मेमोरी फोम लगता है, और 19 mm का जो फैब्रिक है उसके नीचे फोम पेस्ट होता है, तो ये बेनिफिट वाला पार्ट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर अंदर की तरफ और चलें तो नीचे की तरफ फ्लोरिंग है। सबसे पहले आप देख पाओगे नीचे, देख लो फ्लोरिंग हो गई है, नीचे मैं आपको दिखाऊं, डाई वाली फ्लोरिंग हो गई है, अपनी कम्प्लीटली डाई वाली फ्लोरिंग, और एज इट इज आगे से लेकर नीचे पीछे तक पूरा परफेक्ट फिटिंग है, कहीं पे भी अनइवन नहीं है। आप देख सकते हो ऊपर पूरी वॉल टू वॉल फिटिंग है, हर जगह से पूरी परफेक्टली फिटिंग है। इसके नीचे मैट है, जो अपने लॉन्ग लाइफ मैट है, और प्रॉपरली इसकी फिटिंग आती है। आप चेक कहीं से कहीं तक फिटिंग मिलेगा नहीं, कितना पैर लगेगा मिलेगा। अब ड्राइवर साइड पे ब्रेक एक्सीलेटर पे बार बार आपका पैर जाता है, वहां पे आपका नहीं हिलता, तो ये एक बेस्ट पार्ट है इसका। आप उस डोर में देख सकते हो हैंडल लीवर चेंज हो गया है, देख लो भाई टॉप मॉडल वाला, और इसकी भी आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, लाइफ टाइम इसको वारंटी मिलती है। इसके साथ आगे की तरफ आपका सोनी के स्पीकर्स लगे हैं, और अभी डोर में भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं चेंज कराया, नहीं काम कराया, इसलिए डोर से मैच करते हुए सीट कवर हो गए हैं। कि अंदर की तरफ स्टीयरिंग इसमें चेंज हो गया टॉप मॉडल वाला। सबसे पहले भैया पूरा स्टीयरिंग कम्प्लीटली चेंज है, यहाँ पे आप देखोगे इसकी स्टिचिंग पूरी OEM स्टिचिंग है, हर जगह से बिल्कुल परफेक्ट सिलाई है, कहीं पे भी अनइवन नहीं हो रहा है, कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, देख सकते हो आप। यहाँ पे मैं स्टीयरिंग अगर प्लस माइनस कर रहा हूँ, पूरा परफेक्टली यहाँ पे मैच हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं लाइट ऑन करूँगा तो सारी लाइटें जो है वो पूरा जल रहा है। यहाँ पे गियर नॉब यहाँ लग चुका है जेन्युइन कंपनी का, यहाँ सिस्टम आप देख सकते हो पूरा एज इट इज़, पूरा कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन का ब्रांडेड सिस्टम है, जिसकी आपको 2 साल वारंटी मिल जाती है, और काफ़ी अच्छा सिस्टम आपको कहीं ना कहीं। हर गाड़ी में भैया यही सिस्टम लगाते हैं, चाहे ब्रेजा हो चाहे ग्रैंड विटारा हो। सबसे खास चीज़ है 8-9 हज़ार रुपये में आज आपको कुछ नहीं मिलता, पर उस रेंज में आपको ये सिस्टम मिलता है, और आपको सोच लो इतने कम में आपको एक बेस्ट सिस्टम मिलता है, जिसकी 2 साल वारंटी मिल जाती है। तो आपको सोचो कि एक मिड प्राइस में एक अच्छी चीज़ अगर लेना हो तो आप आ सकते हैं। अच्छा भैया एक बेस्ट एक बात बताओ, जैसे टोयोटा की टेजर आई है जी, सेम यही काम होगा उसमें, फ्रॉन्ग्स है वो सारा कुछ, उसमें मैक्सिमम सामान सेम लगता है। कोई भी अगर भाई ले रखा है तो अपना वो आ सकता है। मैं कहूँगा काम कराने से पहले एक बार आके सामान देख सकते हैं, हमारी गाड़ियों की भीड़ देख सकते हैं, अभी रात हो रही है शाम हो रही है, उसके बाद भी देखो एक फ्रॉन्क्स यहाँ पे कैमरे में दिखा देता हूँ, कैमरे की क्लैरिटी पता चल जाएगी इससे। एक फ्रॉन्क्स यहीं खड़ी है पीछे, 3-4 फ्रॉन्क्स उस तरफ खड़ी है, इसके पीछे इसके आगे भी एक फ्रॉन्क्स और खड़ी है, तो अभी अपने पास ऐसे रेगुलर फ्रॉन्क्स होती रहती है। मतलब उसका भी सामान आ चुका है, उसका भी सामान अपने पास है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी काफी पहले आना भाई, काम कराना बढ़िया करा सकते हैं आप। ट्रेजर सेम है, फ्रॉन्क्स ही है, कुछ भी चीज नहीं है, बस लोगों का फर्क, लोगों का फर्क है, ये मारुति से आती है नेक्सा से, और वो जो है वो टोयोटा देती है, और कोई फर्क नहीं, जैसे बलिनो और ग्लेंजा है सेम एज इट है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे एप्पल कारप्ले के जडलिंग के लिए ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे DSP का सेटअप भी देखने को आपको मिल जाता है, आपका नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो डिज्नी हॉटस्टार हर एक चीज आपको इसके अंदर इनबिल्ट मिल जाता है। प्लस मैंने बैक कैमरे की क्लैरिटी आपको दिखाई है, बिल्कुल परफेक्ट कैमरा है, ये भी लगा सकते हो बिल्कुल, यहाँ पे गियर नॉब लग चुका है। इसके साथ साथ मैं स्टीयरिंग का कंट्रोल भी आपको दिखाई देता हूँ, 40 तक पूरे कंट्रोल आपको इस सिस्टम में देखने को मिलता है, ये सबसे खास चीज़ है। म्यूट करूंगा वैसे ही ये म्यूट हो जाएगा सिस्टम ऑटोमेटिकली, अपना यहाँ पे कॉलिंग का ऑपरेट करूंगा वहाँ पे अपने आप ऑपरेट हो रहा है, ये बेस्ट चीज़ है, मेरे को वहाँ से नहीं करना पड़ रहा। अब देखोगे मैं यहीं स्टीयरिंग से ही सारा कुछ अपने आप में, चाहे मैं अगर मोड चेंज करने की बात करूँ या कुछ भी आपका, मैं यहीं से कर सकता हूँ, ये बेस्ट चीज़ है स्टीयरिंग से ही। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाता है अपने आप में। इसके साथ साथ एक बार पीछे की सीट की फिटिंग देखते हैं कैसा है, उसके बाद भैया से जानेंगे सारा काम कैसा लगा। भाई पीछे की सीट कवर की तरफ चले, और जैसे आगे फिटिंग थी भैया वैसे ही सेम फिटिंग है, कहीं भी अनइवन नहीं है। जैसे आप देखोगे सिमेट्री आ गई थी वैसे ही पूरी सिमेट्री है, जैसे कुशनिंग थी सेम एज इट इज कुशनिंग आप देख पाओगे, बिल्कुल परफेक्टली है 0-0 फिटिंग के साथ, मतलब अल्टीमेट कुछ नहीं। सिंगल रिंकल अगर दिख जाए आपको तो कमेंट करके बता दो, मिलेगा 3 थ्रेड का यूज पहले यहाँ किया हुआ है, फिर यहाँ पे, फिर नीचे है, और वैसे ही आप देखोगे नीचे इसका प्लेट है जैसे आगे था, पीछे थोड़ा छोटा स्पेस होता है छोटा है। इसके साथ साथ यहाँ पे पूरे मैट आप देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ यहाँ पे मैट किए हुए हैं,
हर जगह से परफेक्ट फिटिंग है। बाकी रियर एसी ऑन हो चुका है पूरा, और प्लस ये रहा भाई चार्जिंग पोर्ट, जैसे आगे चेंज था वैसे ही पीछे है। यहाँ पे 18 वोल्ट का चार्जर लग चुका है जो था अपना एज इट इज। तो सारा ए टू जेड काम हुआ है, ए टू जेड है, बजट प्राइस में। बिल्कुल बजट प्राइस में आप कह सकते हो अंडर 90,000 ये पूरी कंप्लीट गाड़ी है। अब ऐसा 30 दिन में ना 30 अलग अलग गाड़ियों की हम ऐसी ही वीडियोस लेके आएंगे जो कम प्राइस में अच्छे काम आपको करके दें। तो आपको चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चैनल को भी फॉलो करें जैसे आपको एक अच्छी सीरीज और रेगुलर आपको देखने को मिले। ठीक है भाई, अब चलते हैं ओनर से जानते हैं सारा काम किस तरीके से। तो फाइनली सारा काम हो चुका है और जितनी भी चीज़ आपको मैंने दिखाई है सारी चीज़ें डिटेल में दिखाने का मकसद ये था कि एक मिड बजट के अंदर कह सकते हो बहुत ज़्यादा हायर बजट भी नहीं है और बिल्कुल लो बजट भी नहीं है, मिड बजट के अंदर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। चाहे मैं अगर यूजली की बात करूँ, चाहे मैं एक्चुअली की बात करूँ, ऐसा कुछ नहीं है इस गाड़ी में जो छूटा है, इस तरीके से सब कुछ लग गया। ये बेस्ट पार्ट है, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं जो छूटी है, जैसे अलॉय व्हील हो गए, आप साइड मिरर में बॉडी कलर करा सकते हैं, इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें आप और एड ऑन करा सकते हो, बाकी मैक्सिमम चीज़ इसके अंदर हो चुकी है। तो सर से जानते हैं कहाँ से आए थे और कैसा काम है, क्या नाम है आपका? आपका भी कहाँ से हैं आप लोग? लुधियाना से स्पेशली दिल्ली आप आए हैं मॉडिफाई कराने के लिए। अच्छा, काम कैसा रहा अभी और कितने सेटिस्फाइड? मतलब बढ़िया। इस गाड़ी में टोटल बताए तो खर्चा बताओ जी, खर्चा क्या है? 90,000 में अपनी दूसरी गाड़ी के लिए एक स्टेयरिंग भी लेके जा रहे हैं, तो ये एक बेस्ट चीज़ है। इतना स्टेयरिंग आता है वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी एक तरीके से कह सकते हो आपको कि पूरी गाड़ी ऐसा कुछ नहीं छूटा, मैक्सिमम चीज़ें ऐसा मिड बजट के अंदर सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई। बाकी भैया आपने सीट कवर जो है थोड़े नॉर्मल वाले पसंद किए थे क्योंकि आपने सोचा था कि मिड बजट नहीं कराना है। बाकी मैंने आपको सजेस्ट किया था काफ़ी लेट करके भी, और चाहिए नहीं था आपको इतना थोड़ा प्राइस रेंज के हिसाब से भी। अभी ये आप लगा चुके हो, ये मेरी पसंद से आपने लगाया है स्पेशली, मैं बोलूँगा अभी कैसा लग रहा है सीट पर, और इसमें जो पैसा आपने दिया वो वर्थ है या नहीं? वर्थ ही है जो सोचा था आपने, और उसको थोड़ा सा आपने ऊपर जाके पैसा देना दिया इसलिए तो लग रहा है कि हाँ सही सजेशन आपको मिला है या सही आपने खर्चा। ऐसा तो नहीं कि सीट पर में आपसे ज़्यादा पैसे नहीं मिले या किसी और सामान में? बढ़िया लगा अंकल जी सीट कवर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आगे रिकमेंड करेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको विजिटिंग कार्ड देता हूँ सर, और थैंक यू सो मच, आपका भी दिल से धन्यवाद। और ऐसी वीडियोस के लिए एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में के चैनल को भी अपना सब्सक्राइब करना, जिससे क्या है कि आपको इजीली बहुत जल्दी और अच्छे से आपको वीडियोस रेगुलर मिलती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। तो जी भाइयों, कैसे लग रहा है एक बार गाड़ी कमेंट करके बताना। बाकी गाड़ी पंजाब से स्पेशली तो इतना दूर काम कराने 90,000 रुपये के आसपास भाई गाड़ी में आया खर्चा, जिसमें सारा काम हो गया। तो भाई कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। कम बजट में बढ़िया काम किया गया इस गाड़ी में, तो अगर आप भी इस गाड़ी में काम कराना चाहते हैं फ्रॉन्क्स में, तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन रहने वाले। ठीक है भाई, बाकी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना और शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि जो भाई फ्रॉन्क्स लेने जा रहा है उनको पता चल जाएगा क्या कुछ काम करा सकते हो। तो ऐसी प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक गुड बाय दोस्तों।